बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बढ़िया से रोट। ये देखिए किस तरह से मज़ेदार बने हैं। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप सूजी लिया है, यानी आधा किलो सूजी है ये। 1 कप मैदा, 1/4 किलो। 1 कप शक्कर। आपको अगर मीठे रोट चाहिए, ज़्यादा मीठे चाहिए, तो आप 300 ग्राम शक्कर डालिए। ये हमने कटे हुए काजू और बादाम डाला है 1/2 कप, और 1/2 कप बारीक कटा हुआ खोपरा, 100 ग्राम जितना खोआ, 1/2 कप जितना असली घी लिया है हमने, इन सबको डाल देंगे। ये 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर डाला है, 1 टीस्पून सोडा डाला है इसमें। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से ऊपर नीचे करके सब मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये हमने 1 कप दूध लिया है, इसको डालकर मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए 1 कप दूध में सारा ये मिक्स हो जाएगा। इस तरह से टाइट डो बना लेंगे, एकदम हार्ड बना लेंगे इसको हम। ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, थाली ढककर रख देंगे। इसमें आराम से 8 से 10 रोट बन जाएंगे। इसका पेड़ा तोड़ेंगे। इस तरह से हमने बड़ा पेड़ा लिया है, बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर लगाकर इस तरह से रोट का शेप दे देंगे। अगर आपको कड़क रोट चाहिए तो आप छोटा पेड़ा लें और पतले साइज़ के रोट बनाएं। ये हमने थोड़ा बड़ा लिया है, ये बनकर थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। इस तरह से बना लेंगे हम और भी। ये देखिए डेकोरेट के लिए हमने इस पर काजू बादाम लगाया है। हमने ओवन को 160 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्री हीट पर रखा था। अब हम इसको 20 मिनट के लिए 120 डिग्री पर सेट कर देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर देखेंगे। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट रोट बन चुके हैं। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब हम इसे निकाल कर बताएंगे आपको। ये देखिए किस तरह से दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं। इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, ठंडे होने पर थोड़े हार्ड हो जाएंगे ये। ये देखिए अभी ये बहुत गर्म है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बने हैं। इसको हम ठंडा होने पर तोड़ेंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे तोड़कर बताते हैं। ये देखिए माशाल्लाह किस तरह से मज़ेदार रोट बनकर तैयार हुए हैं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।